आज हम घर पर दो तरह से मसाले तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को राम राम। एक सब्जी मसाला तैयार करेंगे और एक छोले मसाला, तो चलिए इसे बनाते हैं। पहले हम छोले वाला मसाला तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने 7 से 8 लाल मिर्ची ली है और गैस पर एक पैन चढ़ाया है मोटे तले का और आँच को धीमा ही रखा है। धीमी धीमी आँच पर हम मिर्ची को चलाते हुए थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। आँच को तेज नहीं करना है, नहीं तो मिर्ची तुरंत ही जल जाएगी। बस धीमी आँच पर इसे थोड़ा सा ही हमें कुछ सेकंड भूनना है। भूनने के बाद इसे हमें किसी थाली या प्लेट में निकाल देंगे और गैस की आँच को धीमा रखेंगे। अब इसी पैन में हम धनिया भूनेंगे। ये 3 टेबल स्पून के करीब धनिया है। धनिया को भी धीमी आँच पर ही सेकेंगे। बस हल्की हल्की सी धनिया में खुशबू आने लगे हमें तब तक इसे भूनना है। आँच को तेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सारे मसाले हम धीमी आँच पर ही भूनेंगे, नहीं तो मसाले बहुत ही जल्दी जल जाएंगे और उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आँच को धीमा रखेंगे और चलाते हुए भून लेंगे। इसके बाद इसे भी सेम प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने मिर्च निकाली थी। ये 1 टेबल स्पून जीरा है और जीरे के बराबर ही सौंफ है। जीरा डालेंगे हम पैन में। सौंफ भी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून ही सौंफ भी है। इन्हें भी हम धीमी आंच पर थोड़ी देर सेक लेंगे। इसमें से जब हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे जीरे की और सौंफ की, तब तक हम इसे भूनेंगे। जलाना नहीं है, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है और उसके बाद इसको भी सेम प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर 5 हरी इलायची है, 7-8 लौंग है, इसको डालेंगे पैन में। 2 बड़ी इलायची है, 1 चक्रीपूंड, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 टुकड़ा जावित्री है, 12 से 15 दाने काली मिर्च और 4-5 तेज पत्ते हैं और आधा जायफल है। कुछ सेकंड इन्हें भून लेंगे, फिर इसके बाद इसी में 1 टेबल स्पून सफ़ेद वाली तिल भी डाल देंगे और इसको भी धीमी आंच पर भून लेंगे थोड़ी देर। कुछ ही देर भूनना है इनको, ऐसे भूनना है कि तिल का कलर जो है वो चेंज होने ना पाए, वो सफ़ेद ही रहे। और इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि पैन हमारा गर्म है और मसाले को कुछ सेकंड इसी में पैन में ही चलाते रहेंगे तो ये इनमें खुशबू अच्छी से आने लगेगी सारे मसालों की। ये भी भून गए हैं तो इनको भी निकाल लेते हैं और इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको मिक्सी के जार में डालेंगे और इन्हें पीस लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे और इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। इसमें जार का ढक्कन लगाएंगे और एक बार मिक्सी को और चला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये हमारा घर पर बना हुआ छोले मसाला तैयार है। और अब हम सब्जी मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम गैस पर पैन को रखेंगे। पैन में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, सेम उसी चम्मच से 1 चम्मच शाही जीरा डालेंगे, 1/2 कप धनिया डालेंगे। धीमी आंच पर चलाते हुए इन्हें भूनेंगे। थोड़ी देर ही भूनना है, जब इसमें थोड़ी थोड़ी सी खुशबू उठने लगे उतनी देर ही हमें इसे भूनना है। आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे, नहीं तो धनिया बहुत जल्दी जल जाएगी। हमें इतना ही भूनना है कि जीरा वगैरह जो है चटके ना, सिर्फ उसमें थोड़ी थोड़ी खुशबू उठने लगे सबकी।
भूनने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। पैन में डालेंगे एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच सौंफ डालेंगे, एक चम्मच खसखस डालेंगे इसी में, आधा चम्मच काली मिर्च, 7 से 8 हरी इलायची और लौंग, 1.5 इंच के करीब दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, 1 जायफल डालेंगे, 1 चक्रीफूल डालेंगे, थोड़ी सी जावित्री डालेंगे, 1.5 इंच के करीब सूखी अदरक डालेंगे, 2 चम्मच चने की दाल डालेंगे और सेम चम्मच से आधा चम्मच मेथी दाना डालेंगे। सारे मसालों को धीमी आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। मसालों को सिर्फ हल्का हल्का सा सेकना ही है, जलाना नहीं है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ही आंच धीमी रखेंगे और इसे थोड़ा चलाते हुए भूनेंगे। इसमें बड़ी इलायची भी डालनी है 3, मैं डालना भूल गई थी तो मैं बाद में डालूंगी, पर आप लोग मसाले के साथ डाल लीजिए। मसालों को कुछ सेकंड भूनने के बाद जब हमें लगे कि मसाले भून गए हैं, खुशबू आने लगी है, उस समय हम इसमें 7-8 लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे काला नमक, आंच बंद कर देंगे गैस की क्योंकि पैन हमारा गर्म है, नहीं तो हल्दी जल जाएगी, और कुछ सेकंड चलाने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल देंगे सारे मसालों के साथ, और इसको भी छोड़ देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम मिक्सी के जार में डालेंगे इसको भी, और इसे पीस लेंगे। और ये हमारा सब्जी मसाला भी अच्छे से पीस गया है। अगर आप चाहें तो इसे छन्नी से छान कर भी रख सकते हैं, पर मैं नहीं चाल रही हूँ क्योंकि मसाला एकदम बढ़िया पीस कर तैयार हुआ है। इन्हें किसी एयर टाइट डिब्बे में भर कर रखिए और 4 से 5 महीने आराम से आप इसे खा सकते हैं, बस सीलन से ही बचाना है। तो ये हमारा सब्जी मसाला और ये घर पर बना हुआ छोले मसाला तैयार है।